सबको प्रणाम। नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरि। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान नारायण, उनके सखा अर्जुन और इस कथा के रचनाकार व्यास जी और माँ भगवती सरस्वती को प्रणाम करते हुए महाभारत की कथा का श्रवण और वाचन प्रवचन दोनों करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि महाभारत का ही एक अंग श्रीमद् भगवद गीता है, जो महाभारत के भीष्म पर्व अंतर्गत है। और भगवद गीता माने भगवान का गीत, और इस भगवान के गीत में भगवान ने कुछ बहुत सुंदर महावाक्य, महावाक्य से तात्पर्य है कि ऐसे वाक्य जो हमारे जीवन में उतरने चाहिए, उसका वर्णन किया है। वैसे भगवद गीता का हर श्लोक हर शब्द ही महावाक्य है, लेकिन अपनी पसंद और रुचि के अनुसार हम थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। और जैसे हम लोग चावल और नाना प्रकार के जो खाद्य चीजें हैं उससे अलग अलग चीजें बनाते हैं, वैसे ही भगवद गीता से भी हम अपने रुचि के अनुसार कुछ चीजें ले लेते हैं। तो जो हमें रुचिकर लगा है दो चार चीजें, उस महावाक्यों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आपको कितना अच्छा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और आपको कौन सा महावाक्य अच्छा लगता है इसको जरूर बताइए। तो जो भी भगवद गीता के पाठक हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, आप जानते हैं भगवान ने कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं होगा। तो भगवान के इसी कथन को याद करके हम भी भगवान के महावाक्यों आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुने, शायद आपको भी पुण्य लाभ प्राप्त हो, भाग करने जाए अंत तक जरूर देखें। पहला भगवद गीता का जो महाश्लोक हम लोग मानते हैं वो है वासुदेव सर्वम, माने भगवान ही सब कुछ है, भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, या सभी जगहों पर जैसा भी लीजिए। इसका बहुत बार खंडन बहुत लोगों ने किया है कि भगवान किस सर्वव्यापी है नहीं, लेकिन उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान के किसी भी अस्तित्व को अगर हम मानते हैं, भगवान को ही मानते हैं, तो उससे बड़ी कोई चीज। अब इसके बाद भगवद गीता का जो मुझे अच्छा लगता है, ओम सत सत। महात्मा गांधी ने कहा है कि सत्य ईश्वर है, लुकते ईश्वर सत्य है। और ओम तत् से तात्पर्य है कि जो भी हमारे कर्म है, जो भी चीजें हैं, सब उस परमात्मा को समर्पित, क्योंकि परमात्मा ही हमारा अभीष्ट, परमात्मा ही हमारे श्रेय और प्रेय का अंतिम लक्ष्य, तो उससे बड़ा कोई चीज नहीं। इसके बाद अगला है मन मना भाव, मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर। मन मना भाव, मेरे मन वाला हो जा। इस सृष्टि में इससे बड़ा कोई वाक्य नहीं हो सकता। अगर हम सब समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, हम सब एक दूसरे के मन को समझे, उससे बड़ी कोई बात नहीं। तो हमें भगवान के मन के अनुसार काम करना है, परमात्मा की इच्छा के अनुसार काम करना है। और कहते हैं कि हर इच्छा कुछ दुर्लभ ना, भगवान की इच्छा है तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो परमात्मा ही हमारे परम पिता है, सब कुछ देने वाले हैं, उससे बड़ा कोई नहीं। अब एक लाइन और है कि क्षिप्रम भवत धर्मात्मा सत्सु शांति निवर्त। जो एक भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो मेरी शरण में आ गया है, वो कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, वो धीरे धीरे सुधर जाता है, धीरे धीरे वो धर्मात्मा हो जाता है, उसे धर्मात्मा ही मानना है। बहुत सारे वाल्मीकि जैसे जो महान दुष्ट थे, उन भी सत्संगत पा करके सुधर गए। तो किसके जीवन में कब परिवर्तन हो जाए कोई जानता नहीं है। और अगली जो लाइन है, ना मैं भक्ता प्रेरित, अर्थात मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और वास्तव में सत्य जो भगवान की राह में चल गया, उसका नाश तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और भगवान ये भी कहते हैं कि अगर वो बीच में कहीं भ्रष्ट हो गया, तो श्रीमताम धीमताम गेहे योग भ्रष्टो पे जाए थे, वो अच्छे कुल परिवार में जन्म लेगा और वहीं फिर मुझे पाने का प्रयास करेगा। अगला है, नई कल्याण की कर्षित दुर्गतिम तात, जो अपने कल्याण के लिए प्रयास करता है उसका कभी दुर्गति नहीं होती है, वह सदैव एक अच्छे रास्ते पर जाता है। तो हम सबको अपने कल्याण के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। और आप जानते हैं कि अंत में सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम भव, सभी धर्मों को अपने मन के संकल्प विकल्प जितने भी चीज है उसको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं ही मुक्ति दूंगा। आप जानते हैं कि दूसरी जगहों पर हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति है वो परमात्मा ही दे सकते हैं। परमात्मा की शरण में ही सब कुछ संभव है। वह परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें
और सद्बुद्ध के साथ साथ इस जीवन में भी यश कीर्ति और धन संपदा हम सभी को प्रदान करें, ताकि एक अच्छा जीवन जी सकें। इसी की मंगल कामना के साथ, भगवान से याचना के साथ मैं आज की वाणी